चार साल हो गए और सिंधिया जी ने अभी बोला कि मोदी जी ने कहा था महाकुंभ जैसी रैली होगी। और अभी कमलनाथ जी अपने फोन पे मुझे दिखा रहे थे सब लोग मारना शुरू कर देंगे, क्या हो गया, खाली कुर्सियां, खाली ट्रेन, खाली बस, ये क्यों हुआ? क्योंकि जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया है। अब मोदी जी आते हैं, पहले उन्होंने कहा 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। जनता ने देखा, कहा हां, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, शायद 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल लें। किसानों ने कहा देखते हैं, चलो। कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था, मगर शायद अब नरेंद्र मोदी जी को ट्राई करते हैं, शायद वो हमें मदद करें। और जो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी कठिनाई है, जो हमारी माताएं आई हैं, जो देश के युवा हैं, उनके सामने जो कठिनाई, रोजगार की कठिनाई, जहां भी देखो आपके हाथ में फोन है उसको घुमा के देखो, मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना, मेड इन चिप्स होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल जी की मूर्ति बना रहे हैं गुजरात में, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, बहुत अच्छा काम है, मगर मूर्ति मेड इन चाइना। अब सरदार पटेल जी का अपमान, उनकी मूर्ति बन रही है, नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं, मगर सरदार पटेल जी की मूर्ति मेड इन इंडिया नहीं हो सकती है, मेड इन चाइना होगी। तो जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, और इस मेड इन चाइना शब्द के पीछे लाखों चाइना के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हिंदुस्तान में 24 घंटे में नरेंद्र मोदी जी 450 युवाओं को रोजगार देते पूरे हिंदुस्तान में। चाइना की सरकार हर 24 घंटे 50,000 नए युवाओं को रोजगार देती है, मुकाबला हमारा उनसे है। युवाओं को रास्ता नहीं दिख रहा है, और जब वो नरेंद्र मोदी जी के स्टेज के ओर देखते हैं तो कहते हैं आज हम अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये आदमी झूठ बोलता है। इसने किसानों को झूठ बोला, युवाओं को झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोला, कहता था देश का चौकीदार बनूंगा, काला धन मिटाऊंगा, और आज युवाओं के सामने राफेल हवाई जहाज का मुद्दा आया है। और मैं थोड़ा आपको आपके प्रधानमंत्री के बारे में, देश के चौकीदार के बारे में, उनके मित्र अनिल अंबानी के बारे में और राफेल लड़ाकू हवाई जहाज के बारे में बताना चाहता हूं। और जो आज यहां माताएं बहनें आई हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि ये जो पैसा है ये हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा है, किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, आपका पैसा है। यूपीए सरकार ने वायुसेना के लिए 126 राफेल हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज खरीदे। हवाई जहाज का दाम 526 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, बेंगलोर में कंपनी है, 70 साल से उन्होंने अलग अलग लड़ाकू हवाई जहाज बनाए हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जा रहा है। माताएं हिंदुस्तान के लाखों युवाओं को एचएएल में रोजगार मिलता,
लाखों इंजीनियरिंग इंजीनियरों को रोजगार मिलता। अनिल अंबानी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक हवाई जहाज नहीं बनाया है। अनिल अंबानी पे 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से अनिल अंबानी ने पैसा लिया और 45,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर के बैंक का वापस नहीं दिया। अनिल अंबानी ने कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले कंपनी लागू की। नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए, अनिल अंबानी जी नरेंद्र मोदी जी के डेलीगेशन में फ्रांस गए। इंडियंस भी आता है यार। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया, कैंसिल किया और बिना डिफेंस मिनिस्टर के पूछे, बिना अपने कैबिनेट से पूछे, बिना किसी ब्यूरोक्रेट से पूछे, नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र के जेब में डाला। हमने हमने नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा, पार्लियामेंट में मैंने पूछा, डिफेंस मिनिस्टर से पूछा कि आप एक बात कीजिए, आप देश को बता दीजिए, जब यूपीए सरकार ने हवाई जहाज खरीदा था, हवाई जहाज का दाम 526 करोड़ रुपए था, आप देश को बता दीजिए आपने किस दाम पे हवाई जहाज खरीदा, कितने रुपए के लिए आपने एक हवाई जहाज खरीदा। नरेंद्र मोदी जी की डिफेंस मिनिस्टर कहती है, हम हिंदुस्तान की जनता को राफेल हवाई जहाज का दाम नहीं बता सकते। हमने पूछा क्यों नहीं बता सकते, कहते हैं फ्रांस की सरकार के साथ हिंदुस्तान की सरकार का सीक्रेट पैक्ट है, सीक्रेट पैक्ट है, हम बता नहीं सकते। फ्रांस का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आता है, मैं स्वयं जाके उससे मिला, मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताइए, हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि देश की जनता को, देश के युवाओं को हवाई जहाज का दाम नहीं बता सकती, आपके साथ सीक्रेट पैक्ट हुआ है, क्या यह सच है? फ्रांस का राष्ट्रपति मुझे कहता है दाम पे कोई सीक्रेट पैक्ट नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी जी डिफेंस मिनिस्टर देश को राफेल हवाई जहाज का दाम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। पता लगता है डिफेंस मिनिस्टर कहती है नहीं हम नहीं बताएंगे, बाद में पता लगता है कि 526 करोड़ के जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ में खरीदा। क्यों खरीदा? अनिल अंबानी के जेब में नरेंद्र मोदी जी 30,000 करोड़ रुपए डालना चाहते। लोकसभा में डिबेट हुई, एक तरफ मैं बोल रहा था, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी। मैंने नरेंद्र मोदी जी से स्वयं 4 सवाल पूछे, आपने एचएएल से छीन कर अनिल अंबानी को क्यों दिया? अनिल अंबानी ने अपना कभी हवाई जहाज नहीं बनाया। अनिल अंबानी का 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अनिल अंबानी ने कंपनी 10 दिन पहले खोली। आपने हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार छीना। आपने अपने मित्र को 30,000 करोड़ रुपए दिए। आप मुझे बताइए और देश को बताइए कि आपने एचएएल से छीन के, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से छीन के अनिल अंबानी को क्यों दिया? नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद राफेल के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। और जब मैंने उनसे आंख में आंख मिलाकर पूछा, भैया बताओ अनिल अंबानी को क्यों आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो कभी नरेंद्र मोदी उधर देखें, कभी ऊपर देखें, कभी साइड देखें, कभी नीचे देखें, मगर मेरी आंख में आंख, हिंदुस्तान के युवाओं के आंख में आंख नहीं मिला पाए। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के चौकीदार ने चोरी कर दी।
और इसीलिए ट्रेनें खाली, बस खाली और उनके भाषण में कुर्सियां खाली। ये कारण है क्योंकि आज किसान नरेंद्र मोदी की ओर देखता है कहता है झूठा है, मजदूर नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है कहता है झूठा है, किसान नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है कहता है झूठा है, युवा नरेंद्र मोदी जी के ओर देखता है कहता है नरेंद्र मोदी जी ने चोरी करी है, अनिल अंबानी को पैसा दिया। खोखले शब्द है और वही काम मध्य प्रदेश में। शिवराज चौहान जी ने 2000 योजनाएं लागू की है, योजना मशीन, जहां भी जाते हैं एक नई योजना लागू कर देते हैं। चलो भैया यहां पे किसानों के लिए, यहां पे युवाओं के लिए, यहां पे स्कूलों के लिए नंबर वन बना रखा है मध्य प्रदेश को, अलग अलग चीजों में नंबर वन बना रखा है, पूरे देश से आगे निकल गया है मध्य प्रदेश, सबको पीछे छोड़ गया, बाकी स्टेट देखते रह गए। किसान आत्महत्या में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, कुपोषण में नंबर वन, पेट्रोल डीजल के दाम में नंबर वन, और जहां भी आपके चीफ मिनिस्टर जाते कहते हैं हाँ हम नंबर वन पे हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के सिस्टम को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया व्यापम स्कैम्स, ई टेंडरिंग का स्कैम हिंदुस्तान में सबसे नंबर वन का स्कैम शिवराज चौहान जी ने आपको दिया, और अब समय आ गया है, जनता देख रही है कांग्रेस पार्टी की ओर, युवा देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर, चित्रकूट की जनता देख रही है, कह रही है कि आप सिर्फ एक पार्टी हिंदुस्तान को और मध्य प्रदेश को रास्ता दिखा सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 1,50,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है, और मैं आपको इस स्टेज से कह देता हूं जैसे ही हमारी सरकार आएगी किसानों का हम कर्जा माफ करके आपको दिखा देंगे। जैसे आप कर्नाटक का चुनाव देखिए, मैंने कर्नाटक के भाषण में बोला कि सरकार आने के 10 दिन बाद, 11 दिन नहीं, सरकार आने के 10 दिन बाद कर्नाटक की सरकार कर्जा माफ करके दिखा देगी, और जैसे ही हमारी सरकार आई, चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं मगर मैंने उनको साफ बता दिया कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन कर रही है, मगर 10 दिन के अंदर कर्नाटक के किसान का कर्जा माफ हो जाना चाहिए, और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर्नाटक की सरकार ने कर दिया, और यही मध्य प्रदेश में वो ही होने वाला है। और युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, मैं आपका दुख और दर्द समझता हूं, और कमलनाथ जी और सिंधिया जी आपके दुख और दर्द को समझते हैं, हम जानते हैं कि आप देश की सेवा करना चाहते हो, आप किसी से तोहफा फ्री गिफ्ट नहीं चाहते हो, आप सिर्फ अपने देश की मदद करने के लिए रोजगार चाहते हो, और मैं आपको यहां से कहता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पूरा का पूरा दम आपको रोजगार देने में लगा देंगे, जो भी हमारे अंदर है, चाहे वो सिंधिया जी हो, कमलनाथ जी हो, मैं हूं, जो भी हमारे अंदर है पूरा का पूरा दम मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में हम लगा देंगे। मोदी जी ने स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को नष्ट किया,
जो छोटे उद्योग चलाते हैं, छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देंगे उनको नष्ट किया, उनको खत्म किया, छोटे दुकानदारों को खत्म किया नोटबंदी करके, गब्बर सिंह टैक्स लागू करके। जैसे ही वहां दिल्ली में सरकार आएगी, दूसरा काम हमारा गब्बर सिंह टैक्स को सच्चे जीएसटी में बदलने का होगा। एक टैक्स लागू होगा, कम से कम टैक्स होगा। मगर यहां पे पूरी शक्ति हम आपको रोजगार देने में लगा देंगे। आप देखना, 5 साल के अंदर मोबाइल आप अपने फोन के पीछे देखना, उस पर लिखा होगा मेड इन चित्रकूट, मेड इन मध्य प्रदेश। और फायदा हमारे युवाओं को मिलेगा। कुछ नहीं आवा भाई और बहनों, आप एक बात मत भूलो, उनसे कहते कुछ नहीं आवा। ऐसे जब नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल जी की मूर्ति बना रहे हैं, राहुल गांधी का बनाई नहीं, वो चाइना के युवाओं की मदद कर रहे हैं। जब आप फोन क्या फायदा इस्तेमाल करते हो, बाकी मैंने रिकॉर्ड किया है ना, प्लीज, उसका फायदा चाइना के युवाओं को जाता है। जब आप चाइना की शर्ट खरीदते हो, उसका फायदा चाइना के युवाओं को जाता है। और हम चाहते हैं कि जब आप शर्ट खरीदो, जब आप फोन खरीदो, तो वो मेड इन इंडिया हो, मेड इन मध्य प्रदेश हो, मेड इन चित्रकूट हो, और आपके और हमारे युवाओं को फायदा मिले। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब चाइना का युवा सेल्फी ले, उसके पीछे देखा, भैया ये चित्रकूट जगह कहां है भाई, ये कहां है भाई, ये चित्रकूट जगह जहां ये फोन बना है, वो दिन मैं देखना चाहता हूं। और वो दिन मध्य प्रदेश का युवा दिखा सकता है। मोदी का अब्बा हो गए, सपना बहुत बड़ा है, काम करना है। झूठे वायदों से यह नहीं किया जा सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज चौहान जी ने, आपके नरेंद्र मोदी जी ने 4 साल और शिवराज चौहान जी ने आपके 15 साल जाया किए, देश के 15 साल जाया किए, ये हम बदलना चाहते हैं।